हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी यूनिट नंबर सेकंड, आपकी थर्ड नंबर यूनिट आपकी स्टार्ट हो चुकी थी, उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम क्या पढ़ चुके हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और आज अपने नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज अपने क्या पढ़ेंगे डिस्कस करते हैं फटाफट। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर अपने क्या पढ़ चुके हैं, एक तो अपने बेसिक प्रिंसिपल कर चुके हैं जो एग्जाम में आते होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं, और उसके अलावा क्या टॉपिक पढ़ा हमने, सभी बच्चे क्लास के अंदर आ जाओ, बेसिक प्रिंसिपल हम मूलभूत सिद्धांत पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने पढ़ा LCAO मेथड यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यानी परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोग पढ़ चुके हैं। आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो यूनिट है ना, ये थोड़ी सी क्रैमिंग भी है, थोड़ी सी आपकी समझने वाली है, आपको मिलाकर के इसको पढ़ना होगा, और आपको आपकी जो बुक है पी भागचंदानी में से इसको पढ़ लो, वहां बहुत अच्छा दे रखा है मैटर। बाकी मैं भी आपको किसी अच्छी बुक का मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के नोट्स आपको दे चुका हूं, है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी के नोट्स आपको दे चुका हूं मैं। अब आपको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपकी तीसरी यूनिट स्टार्ट हो चुकी थी उसमें लेक्चर करने जा रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। आज अपने जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। आज जो अपने टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड फोर H2 पॉजिटिव आयन या H2 मॉलिक्यूल आयन। यानी सिंपल सी बात है, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज अपने जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम क्या होगा, उसका जो नाम होगा अगर हिंदी में बात करें तो सबसे पहले ये लिख लो कि LCAO, इसको एक नाम और देते हैं LCAO ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, LCAO MO ट्रीटमेंट या मेथड फोर H2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन, ये हमारे टॉपिक का नाम रहेगा। यानी LCAO का मतलब क्या होता है, परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोग विधि द्वारा, परमाणविक कक्षकों की रेखीय संयोग विधि द्वारा, आणविक कक्षक विधि द्वारा H2 प्लस आयन का ट्रीटमेंट यानी मेथड, ये पढ़ने जा रहे हैं आज अपने। तो उससे पहले हमने पहले क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, आज बात कर रहे हैं अपने कि देखो बच्चों, सिंपल सी बात है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर के यानी परमाणविक कक्षक मिलकर के, ए मतलब एटॉमिक, ओ मतलब ऑर्बिटल, परमाणविक कक्षक लीनियरली कंबाइंड होकर के रेखीय संयोग करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। आपको पता है कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है ना, कि AO एटॉमिक ऑर्बिटल दो परमाणविक कक्षक मिलकर के दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो इसलिए जितने एटॉमिक ऑर्बिटल करेंगे पार्टिसिपेट तो उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर ये हमने पहली बात पढ़ी थी कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों के दोनों सेम फेज के अंदर यानी समान अवस्था में कंबाइंड होते हैं, अगर सेम अवस्था के अंदर कंबाइंड होते हैं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं तो बाकी बातें तुम्हें नोट्स में पढ़नी है, और सेम फेज में कंबाइंड होते हैं एंड डिफरेंट फेज में भी कंबाइंड होते हैं, एंड डिफरेंट यानी विभिन्न अवस्थाओं में भी वो क्या होते हैं, आपस में संयोग करते हैं, डिफरेंट फेज के अंदर भी और समान अवस्था के अंदर भी और विभिन्न अवस्था के अंदर भी ये रेखीय संयोग करते हैं, ये कर सकते हैं। अगर ये सेम फेज के अंदर यानी समान अवस्था के अंदर अगर ये सेम फेज के अंदर कंबाइंड होते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को हमने क्या बोला था, कंस्ट्रक्ट
कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, इसको हमने बोला था कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन। कंस्ट्रक्टिव को बोलते हैं रचनात्मक संयोग, रचनात्मक रेखीय संयोग, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। तो अगर सेम फेज में होगा तो कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन होगा, जब डिफरेंट फेज में होगा, अगर डिफरेंट फेज के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल रेखीय संयोग करते हैं, परमाणविक कक्षक रेखीय संयोग करते हैं, तो उसको उसको कॉम्बिनेशन को हमने क्या बोला था, उस कॉम्बिनेशन को हमने बोला था डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन यानी विनाशकारी संयोग, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव है ना, ये हमने बात की थी। तो कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से हमने एक इक्वेशन निकाली थी, कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से रचनात्मक संयोग से यानी समान अवस्था में कॉम्बिनेशन करने पर क्या बनते हैं बच्चों, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है बॉन्डिंग, जो बातें बोल रहा हूं वही आपको थ्योरी के अंदर लिख के आनी है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी यानी बंधी आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, बंधी आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, बंधी आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। बच्चों मेरी बात समझ में आई आपको, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से क्या उसकी अगर अपने इक्वेशन लिखे तो एज ए साई फंक्शन की फॉर्म में, तो हमने क्या निकाली थी कि साई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज दैट इज इक्वल टू सी वन एंड फाई साई ए प्लस सी टू साई बी, ये था हमारा कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन यानी कंस्ट्रक्टिव लीनियर कॉम्बिनेशन यानी सेम फेज में होने वाला कॉम्बिनेशन। इस कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हमारी फॉर्मेशन हुई थी, ये है कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन यानी रचनात्मक संयोग जिससे इन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है, यानी इसको आप बीएमओ भी लिख सकते हो गलत नहीं होगा, यानी बंधी आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, और इसको अपने इस समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। और ये समीकरण क्या होती है, ये क्वेश्चन क्या होती है, सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं। बच्चों एक बात और, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी होती है, द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, द एनर्जी ऑफ इन दिस इक्वेशन द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोअर एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब मैं क्या समझा रहा हूं कि इन बंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा जो होती है ना बच्चों, वो उसके परमाणविक कक्षकों से क्या होती है, कम होती है, परमाणविक कक्षकों से कम होती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो आपने बीएससी में पढ़ा था पहले कि देखो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं, एक तो बनता है लोअर एनर्जी वाला निम्नतम ऊर्जा स्तर वाला, एक बनता है उच्चतम ऊर्जा स्तर वाला, और इसको बोलते हैं अपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तो बनता है बच्चों कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से, रचनात्मक रेखीय संयोग से बनता है, और ये बनता है डिस्ट्रक्टिव लीनियर कॉम्बिनेशन यानी विनाशकारी रेखिक संयोग से बनता है ना। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये बॉन्डिंग, आपके सामने देखो कि ये है इसके एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है इसके एटॉमिक ऑर्बिटल, साफ पता लग रहा है कि ये जो नीचे वाला है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल से परमाणविक कक्षकों से कम है, मतलब बंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा उसके परमाणविक कक्षकों से कम होती है। यहां तुम्हें दिखाई भी दे रहा है और मैंने तुम्हें समझा भी दिया बच्चों, है ना। लेकिन अब बात आती है कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर परमाणविक कक्षक अपोजिट फेज के अंदर यानी विपरीत अवस्था के अंदर कंबाइन होते हैं,
कंबाइंड होते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं अपने, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बच्चों डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन, यानी विनाशकारी संयोग। और डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन जिसको हमने कहा है, और डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है, जो आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, बच्चों आपको मैं एमओ बोलता हूं मतलब आणविक कक्षक है, या अंडरस्टूड है, एमओ, जो एमओ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी प्रतिबंधी आणविक कक्षक। और इसको अगर अपने इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम करते हैं साई स्टार, स्टार मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग, ये स्टार जो है वो एंटी बॉन्डिंग यानी प्रतिबंधी को प्रदर्शित करता है, एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। द साई स्टार सी वन साई ए माइनस, बच्चों यहां पर मैंने यहां प्लस लगाया था, यहां पर प्लस आएगा बिल्कुल सही है, और यहां पर माइनस आएगा क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव है। एंड सी टू साई बी, ये दोनों के दोनों अपोजिट फेज में मिलते हैं, तो ये इक्वेशन हमारे सामने निकल के आती है फॉर द वेव फंक्शन की फॉर्म में, एज ए तरंग फलन की अवस्था में, तो ये अपोजिट फॉर्म में मिलते हैं। तो ये जो एंटी बॉन्डिंग यहां पर जो ये जो है डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से बने, क्या बने हैं, डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन यानी विनाशकारी संयोग, है ना। और इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी प्रतिबंधी आणविक कक्षक कहते हैं। अब इस वाले केस में द एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज हायर देन इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी इस केस के अंदर क्या होता है, इसमें प्रतिबंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा साथ की साथ लिखते जाओ, ऊर्जा उसके परमाणविक कक्षकों से अत्यधिक होती है, कैसे बच्चों, ये देखो, ये दो क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल, इससे क्या बने, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये तो है बंधी यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी प्रतिबंधी आणविक कक्षक। खुद चेक कर लो बच्चों, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। अगर मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं तो देखो सबसे हायर एनर्जी वाला, सबसे उच्चतम एनर्जी में कौन है, ये वाला है, मतलब इसकी एनर्जी उसके परमाणविक कक्षकों से भी ज्यादा होती है, इसकी प्रतिबंधी आणविक कक्षकों की। तो ये हमने देखा कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा उसके एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, द हायर एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। ये सारी बातें हम LCAO मेथड में पढ़ चुके हैं, ये सारी बातें हम LCAO मेथड में कर चुके हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए। तो LCAO पहले मतलब समझ लो इसका, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोग, LCAO MO ट्रीटमेंट यानी आणविक कक्षकों का परमाणविक कक्षीय रेखीय संयोग विधि किसके लिए, H2 प्लस आयन के लिए। तो MO बहुत बार एग्जाम में आता है बच्चों, ये MO ट्रीटमेंट फोर्थ में समझाना मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी तुम याद तो कर ही लोगे उसमें से। H2 प्लस आयन यानी H2 प्लस मॉलिक्यूलर आयन, आणविक आयन, ये बात कर रहे हैं आज। इसके बारे में एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। बच्चों सिंपल सी बात है, एक H2 मॉलिक्यूल की बात करता हूं मैं। H2 मॉलिक्यूल में क्या होता है बच्चों, एक तो इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है, प्रोटॉन होता है, है ना। और उसके अंदर और दूसरा एक हाइड्रोजन के अंदर तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, ऐसे दूसरे हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है ना। तो अगर हम बात करें कि H2 की बात करूं मैं, नॉर्मली H2 की बात करूं, तो H2 क्या है, एक प्रकार का
टू इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन सिस्टम होता है। एक सिंपल एच टू की बात करूं मैं, सिंपल एच टू की बात करूं, लेकिन हमने यहां पर क्या लिया, एच टू पॉजिटिव आयन लिया। तो एच टू पॉजिटिव में एक तो एच होगा, एक एच प्लस होगा। तो एच के अंदर एक कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है, ठीक है। प्रोटॉन कितने हैं, एक है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। प्रोटॉन कितने हैं, एक है। इसका मतलब ये वाली जो है सिस्टम बनेगा, सिस्टम कैसे बनेगा, ए वन इलेक्ट्रॉन एंड टू प्रोटॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं अपने, वन इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन सिस्टम बनेगा। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन से एच टू पॉजिटिव बनेगा, इनमें से वन एस, अब इनमें से जो एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, अगर मैं बात लिखूं ये जो वन इलेक्ट्रॉन है कहां जाएगा, ये वन इलेक्ट्रॉन जाएगा वन एस वन किसके अंदर, 1s1 कक्षक के अंदर। और 1s1 कक्षक हमेशा क्या होता है, जब भी कॉम्बिनेशन होगा ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन परमाणविक कक्षकों के अंदर भी कहां रहेगा, इसकी एनर्जी क्या रहती है, मिनिमम रहती है, इसकी ऊर्जा कम रहेगी। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी तब भी ये इलेक्ट्रॉन जाएगा मिनिमम ऊर्जा स्तर के अंदर, यानी मिनिमम ऊर्जा लेवल के अंदर जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जो H पॉजिटिव में जो पूरा का पूरा सिस्टम में जो वन इलेक्ट्रॉन है H2 पॉजिटिव के अंदर, इसकी एनर्जी, वन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा मिनिमम रहेगी, चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल में रहे, चाहे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर रहे, है ना। मेरी बात समझ में आई, कोई दिक्कत है तो मुझे बताना। अब आपको बताया कि इसके अंदर दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन मान लो कि मैं मानता हूं कि इसके अंदर एक तो प्रोटॉन है HA, यानी इसके अंदर एक नाभिक तो HA है और एक नाभिक है HB है। आपको पता ना कि दो परमाणु, एक तो H है, एक H प्लस है, है ना, HB है, एक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, है ना। अब मैं क्या करता हूं कि इलेक्ट्रॉन की HA नाभिक से दूरी, HA न्यूक्लियस से दूरी कितनी है, RA। मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैं फॉर्मूला ड्राइव करूंगा कि कैसे हम इसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ H2 प्लस आयन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड द्वारा, कि हम इसकी एनर्जी को, इसकी वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, उसको हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, मुझे पता है कि इसके अंदर दो प्रोटोन है, तो दो नाभिक है इसके अंदर, एक HA एक HB, दो प्रोटोन है HA HB। तो मैंने चेक किया कि इलेक्ट्रॉन से HA की दूरी जो है, डिस्टेंस है, वो RA है, और HB दूसरे वाले नाभिक से दूरी कितनी है, RB है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, RAB है, है ना। दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी, अब आपको हमने क्या किया था, ये सारी डिस्टेंस निकल के आ गई, ये टू इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन और टू प्रोटॉन सिस्टम निकल के आ गया। अब आपको ध्यान हो कि आपको BSc फर्स्ट ईयर के अंदर हमने एक श्रोडिंगर वेव क्वेश्चन करवाई थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन याद आ रहा हो तो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उसमें ध्यान हो तो आपको एक हेल्मेटोनियन ऑपरेटर वाली इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का काम क्या होता है, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को बताती है कि ये इलेक्ट्रॉन थ्री डायमेंशन के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन तीन दिशाओं के अंदर क्या कर रहा है, कैसे घूम रहा है, इसकी एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की थ्री डायमेंशनल स्पेस के बारे में जो जानकारी दे, उसको हम श्रोडिंगर वेव समीकरण कहते हैं। श्रोडिंगर वेव समीकरण एनर्जी को भी कैलकुलेट करती है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, इस आणविक कक्षक की, इस परमाणविक कक्षक की, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, हाउ टू कैलकुलेट, ये हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताती है। जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एक फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं हेल्मेटोनियन ऑपरेटर फॉर्म, वो क्या होती है, ये री एच के ऊपर मैं क्या लगाता हूं, ऑपरेटर, इसको बोलते हैं हेल्मेटोनियन ऑपरेटर साई। अगर मैं साई, साई क्या है, वे फंक्शन है, मैंने आपको बताया हुआ है कि साई से आप क्या कैलकुलेट कर, साई एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, एक मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन है जिसकी हेल्प से आप एनर्जी को कैलकुलेट, किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वेग को निकाल सकते हो, उसकी P4 पोजीशन यानी उसकी स्थिति को ज्ञात कर सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है, अगर मैं हेल्मेटोनियन ऑपरेटर लगा दूं इस साई फंक्शन के साथ, अगर मैं साई फंक्शन के साथ हेल्मेटोनियन ऑपरेटर लगा दूं, तो हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकल के आ जाएगी।
तो ये होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन द फॉर्म ऑफ हेल्मेटोनियन ऑपरेटर, मतलब हेल्मेटोनियन ऑपरेटर की फॉर्म में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी हुई है, आप आगे क्वांटम क्वांटम में भी इसको पढ़ोगे। तो हेल्मेटोनियन ऑपरेटर क्या होता है, कोई बच्चा कहे सर हेल्मेटोनियन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूं ये दो प्लस दो क्या होते हैं। मुझे एक बात बताओ कि दो और दो मुझे चार कर रहे हैं तो क्या करूंगा, या तो इंटू कर दो या इसको प्लस कर दो। तो ये जो प्लस लगा रहे हो ये ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है गुना वाला मल्टीप्लाई वाला, ये ऑपरेटर है प्लस वाला। तो ऐसी हेल्मेटोनियन ऑपरेटर है जो एनर्जी की कैलकुलेशन करके बताता है, कहता है कि अगर आप साई से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इस तरंग फलन से इसका गुना कर दोगे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन की एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस इक्वेशन को मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूं, इसके अंदर हमें हाइड्रोजन के लिए निकालनी है। अगर आपको ध्यान हो तो हेल्मेटोनियन ऑपरेटर हमने कैसे कैसे किया था कैलकुलेट, आपको बताया कि हेल्मेटोनियन ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, हेल्मेटोनियन ऑपरेटर की होती है वैल्यू होती है माइनस एच स्क्वायर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से बात कर रहे हैं, 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी, ये हेल्मेटोनियन ऑपरेटर की वैल्यू होती है। वी का मतलब क्या है यहां पर, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी यानी कुल स्थितिज ऊर्जा से बताते हैं, ये होती है हेल्मेटोनियन ऑपरेटर की वैल्यू। क्या होती है हेल्मेटोनियन ऑपरेटर की वैल्यू, आपको ध्यान हो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने क्या किया था कि माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल की स्क्वायर, ये हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में किया हुआ है, एंड इज इक्वल टू आपको बताया कि वैल्यू क्या होती थी इसकी, ई माइनस वी साई, बाकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आएगी तो उसमें और समझा दूंगा। तो ये वैल्यू होती थी माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर फाई साई इज इक्वल टू ई माइनस वी साई। अब साई को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, साई को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, डेल स्क्वायर साई, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ई साई माइनस वी साई। अब मैं क्या करूंगा, वी साई को मैं यहां ले आऊंगा और वी साई को जब मैं यहां लाऊंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस एच स्क्वायर, ये सारी बातें हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से उठाई हैं, तो डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। यहां पर हमने क्या किया, साई को कॉमन ले लिया, तो जब साई को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी साई, यहां पर कॉमन आ गया एंड इज इक्वल टू ई साई। और इसी को क्या बोलते हैं अपने, इसी को क्या बोलते हैं अपने, हेल्मेटोनियन ऑपरेटर कहा जाता है। और हेल्मेटोनियन ऑपरेटर को जब हम इंप्लीमेंट करते हैं साई के ऊपर तो क्या निकल जाता है, ई साई। तो ये हेल्मेटोनियन ऑपरेटर किसी भी एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए काम आता है, किसी भी एनर्जी को कैलकुलेशन के लिए काम आता है। अब हम हेल्मेटोनियन ऑपरेटर की वैल्यू, इस हेल्मेटोनियन ऑपरेटर की वैल्यू हम H2+ के लिए कैलकुलेट करेंगे, H2+ के लिए कैलकुलेट करेंगे, जो हम H2+ के लिए, क्योंकि हेल्मेटोनियन ऑपरेटर की हेल्प से हम किसी भी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों आपको ध्यान हो कि मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन के पास दो होते हैं न्यूक्लियस, HA और HB, है ना। ये HA इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और अट्रैक्शन के कारण, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं, रिपल्शन, R फॉर रिपल्शन, A फॉर अट्रैक्शन, A फॉर अट्रैक्शन, यानी आकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण, ये तीन चीजें हो रही है। और इन्हीं आकर्षण प्रतिकर्षण के कारण, इन्हीं अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स के कारण एक एनर्जी जनरेट होती है, इसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यहां पर एक ऊर्जा एक बन रही है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इसको बोलते हैं स्थिति ऊर्जा बोलते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन सारे स्थित है, पोजीशन गेन किए हुए हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें पूरा का पूरा एल्जेब्रिक टोटल करना होगा, पूरा का पूरा अर्थमेटिकली एल्जेब्रिकली हमें इसको पूरा कैलकुलेट करना होगा। आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वी इज इक्वल टू माइनस जेड ई माइनस माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। यहां पर जेड क्या है, जेड जो बताता है वो बताता है
उसके एटॉमिक नंबर को, और जबकि बताया कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और यही होता है जेड, तो यहां पर जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मैं इसकी वैल्यू यहां पुट अप कर दूंगा, तो वैल्यू क्या आगी, V इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये तीनों की तीनों वैल्यू कॉन्स्टेंट है, एंड आर, आर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस आर क्या डिस्टेंस है। अब ये तीनों वैल्यू, ये जो पोटेंशियल एनर्जी मैं निकालूंगा इसके लिए और इसके लिए और इस रिपल्शन फोर्स के लिए, मैं तीनों के लिए क्या कैलकुलेट करूंगा, मैं तीनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करूंगा, उसको कर दूंगा टोटल, और हमारे पास टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगी। हाँ चलो करते हैं बच्चों, बच्चों थोड़ा चैप्टर थोड़ा सा अजीब सा है, आपको समझ में आएगा जैसे आप अगर आप पढ़ोगे तो, ठीक है। तो अब मैं टोटल कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं पहले पहले किसके लिए, इसके लिए जिसकी वैल्यू है आर ए, इसकी डिस्टेंस क्या है आर बी, इसकी डिस्टेंस क्या है आर ए बी, मैं तीनों के लिए आकर्षण आकर्षण और प्रतिकर्षण के लिए तीनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूं, तो क्या आएगी माइनस, माइनस से क्यों लिखा है मैंने, अट्रैक्शन को हमेशा माइनस से दर्शाते हैं क्योंकि एक दूसरे के प्रभाव को वो क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, है ना, माइनस मतलब अट्रैक्शन। तो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर ए, ए का मतलब क्या, आर ए का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड नाभिक ए, प्लस माइनस फिर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर बी, यानी ये वाली बात, इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले नाभिक के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, और आकर्षण बल को हम दर्शाते हैं इससे माइनस से, प्लस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर ए बी, ये प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये हो रहा है प्रतिकर्षण हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, तो ये वैल्यू आर ए बी रख दी। इसकी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी न्यूक्लियस, ए और बी नाभिक के बीच की दूरी आर ए बी, ये हमने अब इसको हमने करना है टोटल। वी को हम यहां पर पुट अप कर दें तो हम एच मॉलिक्यूल की एनर्जी निकाल सकते हैं, हम एच टू, अब हमें क्या निकालनी, क्या है एच टू प्लस आयन की टोटल एनर्जी निकालनी है, तो इस वी की वैल्यू को मैं पुट अप कर दूंगा बच्चों, किसमें पुट अप करूंगा, मैं हेल्मेटोनियन ऑपरेटर के अंदर पुट अप कर दूंगा। तो हेल्मेटोनियन ऑपरेटर क्या होता है, हेल्मेटोनियन ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आपको ध्यान हो तो जल्दी बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कि हेल्मेटोनियन ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, ये होती है बच्चों, मैं लिखने जा रहा हूं एच स्क्वायर अपॉन अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी, और यहां क्या लगाते हैं अपने फाई का सिंबल लगाते थे अपने, फाई इज इक्वल टू ई साई, मुझे यहां पर v की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, और v की वैल्यू हम मैं यहां पर पुट अप करने जा रहा हूं, यहां पर मैंने यहां v की वैल्यू पुट अप कर रहा हूं, तो देखते जाना बच्चों क्या आएगी वैल्यू, हेल्मेटोनियन ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर। अब मैं पुट अप कर रहा हूं v की टोटल वैल्यू, v की टोटल वैल्यू पुट अप कर रहा हूं मैं, माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर ए एप्सिलॉन आर ए माइनस ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन आर बी प्लस में ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन आर बी, ये टोटल वैल्यू पुट अप कर दी। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, एच हेल्मेटोनियन ऑपरेटर के ऊपर कैप लगाते हुए माइनस एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर एंड माइनस ई स्क्वायर कॉमन ले लिया 4 पाई एफ साइलन कॉमन ले लिया हमने, फिर क्या वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन आर ए प्लस 1 अपॉन आर बी माइनस आर ए बी, ये हमारी हेल्मेटोनियन ऑपरेटर की वैल्यू आ गई। जब ये वैल्यू हम पुट अप करेंगे हेल्मेटोनियन के अंदर और फिर हम लगा देंगे ऐसे इक्वेशन करके, तो हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी किसकी, हेल्मेटोनियन ऑपरेटर की। तो हमारे पास एनर्जी निकल के आ जाएगी किसकी, एनर्जी निकल के आएगी एच टू प्लस आयन की, ये वैल्यू यहां पुट अप कर देंगे अपने, समझ आई बच्चों बात,
समझ आई बच्चों बात? तो इसलिए हमने H2+ आयन की एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया बाय द मेथड ऑफ LCAOMO मेथड, LCAOMO ट्रीटमेंट फॉर H2 पॉजिटिव आयन। यहां तक हमने कंप्लीट किया, अब आगे की बात अपने करेंगे कल, ये बात हमने की है ना, आगे हम कैलकुलेशन को और करेंगे कि कैसे इसकी कंप्लीटली एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी बातें आगे होंगी वो बताऊंगा। आज हमने यहां पर क्या कंप्लीट कर लिया, LCAOMO ट्रीटमेंट फॉर H2 पॉजिटिव आयन, यानी हिंदी में बोले तो परमाण्विक कक्षकों की रैखिक संयोग विधि के द्वारा, आणविक कक्षक विधि के द्वारा H2 आयन हमने पढ़ लिया, H2+ आयन क्या पढ़ लिया कि कैसे ऊर्जा को निकालते हैं, कैसे बात करते हैं। तो बच्चों इसके सारे प्रॉपरली नोट्स बना लो और तुम्हें बुक्स भी पढ़ना है इसको। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ आज का लेक्चर, तो अपने मिलते हैं बच्चों, कोई भी डाउट हो बच्चों चिंता मत करना, सारे नोट्स सारे लेक्चर मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। जो भी टॉपिक तुम्हें लगता है कि सर ने इस टॉपिक के नोट्स नहीं दिए, बी फ्रेंकली मुझे बताओ, मैं तुम्हें हाथों हाथ PDF बना करके प्रोवाइड करवाऊंगा। बच्चों चिंता मत करना, 500 वाले पेपर पढ़ के जाना, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अपने कल, फिर भी क्लास लेंगे। ओके बाय बच्चों, थैंक यू।